चमोली में आई आपदा में रात 8 बजे तक 197 लोग लापता। अलग अलग जगहों से अब तक 32 लोगों के शव मिले। 32 मृतकों में 7 लोगों की पहचान की गई, 25 शवों की पहचान की कोशिश जारी। चमोली हादसे में एनटीपीसी के 93 वर्कर्स लापता। टनल के अंदर 39 लोगों के अभी फंसे होने की आशंका। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह का बयान, कहा जल्दी वार्निंग देने वाले सिस्टम लगाने की तैयारी चल रही है। चमोली आपदा में मृतकों के परिवार को 20 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने जानकारी दी। तपोवन टनल के अंदर आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। ड्रोन कैमरे का किया जा रहा है इस्तेमाल। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की साझा टीम टनल में पहुंची, टनल में वाटर लेवल की चेकिंग की। टनल में ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक सभी मजदूर सैलाब से बचने के लिए 3-4 घंटे तक लोहे की छड़ से लटके रहे। एनटीपीसी के 12 वर्कर्स और ऋषि गंगा प्रोजेक्ट से जुड़े 15 लोगों को बचाया गया, लोकसभा में गृहमंत्री ने बताया। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख की मदद राशि देने का ऐलान किया। अमित शाह बोले हालात पर सरकार की नजर। गृहमंत्री ने कहा आईटीबीपी ने कंट्रोल रूम स्थापित किया। एनडीआरएफ की 5 टीमें और सेना की 8 टीमें भी चला रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टर भी बचाव अभियान में शामिल। आर्मी ने जोशीमठ में बनाया कंट्रोल रूम। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा हमारे जवान दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों को बचाना अभी सबसे बड़ी चुनौती। इंडिया टीवी पर उत्तराखंड के सीएम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, कहा भारी बर्फबारी की वजह से बर्फ की चट्टान टूट कर गिरी। त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले सैटेलाइट इमेजेस से वैज्ञानिकों ने पुष्टि की, सभी लोगों को सकुशल बचाने की कोशिश जारी। तपोवन प्रोजेक्ट के टनल के अंदर की तस्वीरें आईं। सैलाब के बाद सुरंग में 180 मीटर तक भारी मलबा जमा है। उत्तराखंड हादसे के पीड़ितों के लिए आगे आए सीएम मनोहर लाल खट्टर। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से दी 11 करोड़ की मदद राशि। राज्यसभा में इमोशनल हुए प्रधानमंत्री। कश्मीर में 2005 के आतंकी हमले का जिक्र करते हुए आंखों से आंसू निकले, कहा गुलाम नबी आजाद ने रोते हुए फोन किया था। प्रधानमंत्री मोदी भाषण के दौरान बार बार भावुक हुए, राज्यसभा से गुलाम नबी की विदाई पर दे रहे थे स्पीच। प्रधानमंत्री ने कहा गुलाम नबी आजाद के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले, एक मित्र और एक अनुभवी नेता के तौर पर आदर करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के आंसुओं पर बोलते वक्त भावुक हुए गुलाम नबी आजाद, देश से आतंकवाद खत्म होने की दुआ की। आजाद ने 2006 में गुजराती पर्यटकों के मारे जाने का जिक्र किया, कहा बच्चे मेरे पांव से लिपट गए इसलिए मेरे आंसू निकल आए। गुलाम नबी आजाद ने कहा मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूं जो कभी पाकिस्तान नहीं गया, हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व। प्रधानमंत्री मोदी का बुधवार शाम 4 बजे लोकसभा में संबोधन। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में बोलेंगे। टैगोर के अपमान के आरोप पर अमित शाह का लोकसभा में कांग्रेस पर पलटवार, कहा टैगोर की कुर्सी पर मैं नहीं नेहरू बैठे थे। संसद में तस्वीरें दिखाकर अमित शाह ने कहा सदन में बात करते हैं तो पहले तथ्यों को देखना चाहिए। संसद में नेहरू और राजीव गांधी के नाम पर खफा हुए फारूक अब्दुल्ला, कहा बुरा लगता है ये हमारी संस्कृति नहीं। लोकसभा में बोले फारूक अब्दुल्ला कृषि कानून धार्मिक ग्रंथ नहीं, बदलाव किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा, कहा जमीनी स्तर पर एमएसपी नहीं है। आंदोलनजीवी वाले बयान पर अखिलेश यादव का बयान, डोनेशन मांगने वालों को क्या चंदाजीवी संगठन कहा जा सकता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई किसान महापंचायत, राकेश टिकैत बोले सरकार गलतफहमी में न रहे कि किसान वापस चले जाएंगे। टिकैत ने कहा यह आंदोलन लंबा चलेगा, सरकार को दिया है 2 अक्टूबर तक का समय। राकेश टिकैत बोले तीनों काले कानून खत्म नहीं हो रहे हैं, एमएसपी पर चाहिए कानून। टिकैत ने प्रधानमंत्री पर वादे से मुकरने का आरोप लगाया, कहा 2011 में कहा था देश में एमएसपी पर कानून बनेगा। बुधवार को सहारनपुर के चिलखाना में किसान पंचायत में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। पंजाब कांग्रेस के 8 सांसदों ने लोकसभा में दिया तीनों कानूनों को वापस करने के लिए प्राइवेट मेंबर्स बिल। प्राइवेट मेंबर्स बिल पर बोले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, संसदीय अधिकारी के इस्तेमाल के अलावा और कोई चारा नहीं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। ममता ने बंगाल के बर्धमान से केंद्र पर निशाना साधा, कहा कुछ कारोबारियों की मदद के लिए है कृषि कानून। दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस कस्टडी, मोबाइल और लैपटॉप खंगाले की पुलिस। किसान आंदोलन के दौरान 10 शहरों में रहा दीप सिद्धू, पुलिस सिद्धू के मददगारों के बारे में भी पता लगाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कैलिफोर्निया के एक महिला मित्र के संपर्क में था दीप सिद्धू, महिला फेसबुक पर अपलोड करती थी भेजे गए वीडियो। 26 जनवरी हिंसा मामले में आरोपी सुखदेव सिंह को 19 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, 50,000 का इनामी था। दिल्ली हिंसा मामले में नॉर्थ दिल्ली पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया, बुराड़ी थाने में दर्ज हुआ था मामला। बंगाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की हुंकार, कहा परिवर्तन यात्रा का मकसद ममता के राज के खिलाफ बदलाव लाना। नड्डा बोले बंगाल में चल रही है तानाशाही, ममता ने विपक्ष को दबा रखा है। नड्डा ने कहा अम्फान तूफान के लिए प्रधानमंत्री की दी गई मदद राशि टीएमसी कार्यकर्ताओं के पास चली गई। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान, प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में करप्शन फ्री होगा बंगाल। एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बोले बंगाल में टीएमसी तिनके की तरह उड़ेगी। यूपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का ओवैसी पर हमला, कहा भारत को तोड़ने वालों को योगी का बुलडोजर कुचल देगा। पर्यावरण को लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट, भारत में वायु प्रदूषण से होती है 1/3 मौतें। सिविल सेवा परीक्षा में एक और मौका देने वाली याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। कोर्ट से केंद्र सरकार ने की अपील, एज लिमिट के अंदर आने वाले उम्मीदवारों को ही मिले अतिरिक्त मौका।
दिल्ली के नेशनल जियोलॉजिकल पार्क से भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि, जू को बंद किया गया। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार, 17 नए मंत्रियों ने शपथ ली, बीजेपी कोटे से 9 और जेडीयू से 8 मंत्री। बिहार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, शाहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्रालय दिया गया, नितिन नवीन को पथ निर्माण मंत्रालय की जिम्मेदारी, नीरज बबलू को वन और पर्यावरण का भार, संजय झा को जल संसाधन और सूचना संपर्क मंत्री बनाया गया, श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास मंत्रालय सौंपा गया। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का बयान, कहा पुराने और समर्पित नेताओं की अनदेखी हुई। ज्ञानू बोले, जाति के तौर पर भी संतुलन नहीं है, अपर कास्ट वाले 50% बीजेपी उम्मीदवार। देश में सिर्फ 9,110 नए कोरोना मामले आए, 24 घंटे में 78 लोगों की मौत, फरवरी में दूसरी बार 10,000 से कम केस। भारत में अब तक 63,10,000 से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका, 13 फरवरी को दिया जाएगा दूसरा डोज। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों में लगातार गिरावट, 33 राज्यों में कोरोना संक्रमण के 5,000 से भी कम एक्टिव केस। 15 राज्यों में 24 घंटे में एक भी मौत नहीं, 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 3 हफ्तों से नहीं बढ़ी मौत की संख्या। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सतेज पाटिल कोरोना संक्रमित हुए, आइसोलेशन में भेजे गए। यूपी में कोरोना के 113 नए मामले, पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं। दिल्ली में कोरोना के 100 नए केस, राज्य में 1,052 एक्टिव केस। दिल्ली में फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीकाकरण अभियान शुरू, कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने लगवाया पहला टीका। केरल में कोरोना के 5,214 नए संक्रमण, 19 और मरीजों की मौत। केरल में एक ट्यूशन सेंटर पर फूटा कोरोना का बम, क्लास में हिस्सा लेने वाले 91 छात्र पॉजिटिव। तमिलनाडु में कोरोना के 469 नए मामले, राज्य में कोरोना से अब तक 12,391 मौतें। दुनिया में कोरोना के 10,71,00,000 से ज्यादा केस हुए, अब तक 23,38,000 मरीजों की मौत। वुहान में जांच करने वाली WHO की टीम का दावा, चीन के लैब से वायरस के निकलने की संभावना नहीं। वुहान छोड़ने से पहले मीडिया से मिली WHO की टीम, कहा किसी मध्यवर्ती प्रजाति के जरिए मानव शरीर में वायरस ने किया होगा प्रवेश। नए वैक्सीन प्लान पर काम कर रहा है दक्षिण अफ्रीका, जॉनसन एंड जॉनसन की दवा बन सकती है विकल्प। दक्षिण कोरिया ने वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल शुरू किया, पूरे देश में बनाए गए 250 वैक्सीनेशन सेंटर। भारत से भेजा गया वैक्सीन का कंसाइनमेंट अफगानिस्तान पहुंचा, उपराष्ट्रपति बोले आतंकियों से टीके को बचाएंगे। अफगानिस्तान में आतंकियों ने किए बम ब्लास्ट और फायरिंग, अलग अलग हमलों में 9 की मौत, 5 सरकारी कर्मचारी शामिल। परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है ईरान, खुफिया मामलों के मंत्री महमूद अलवी ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तोड़े गए 100 साल पुराने हिंदू मंदिर को फौरन बनाया जाए। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन जारी, 30 शहरों में कर्फ्यू लगाया गया। नेपिडॉ में पुलिस फायरिंग में 6 लोग जख्मी। म्यांमार का नेपिडॉ शहर बना युद्ध का मैदान, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल। हेती में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, राष्ट्रपति को हटाने के लिए हो रहा है देशव्यापी आंदोलन। ब्रिटेन में 200 से ज्यादा शिक्षकों पर चीन के लिए जासूसी करने का शक, ऑक्सफोर्ड समेत 20 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी दायरे में। उत्तरी अफ्रीका के देश मोरक्को में भारी बारिश के सिख के बाद बाढ़, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में 28 वर्कर्स की मौत। फ्लोरिडा में एक हैकर ने उड़ाई हजारों लोगों की नींद, वाटर प्लांट में जहरीला केमिकल मिलाने की कोशिश करने का आरोप। अमेरिका के यूटा में एवलांच का वीडियो सामने आया, 4 पर्वतारोहियों की मौत, 4 लोगों ने किसी तरह बचाई अपनी जान। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में बर्फ पर फिसला एक ट्रक। अमेरिका के इंडियाना, ओहायो में और केंटकी में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, 3 इंच तक हो सकती है बर्फबारी। 3 स्पेसक्राफ्ट्स का मिशन मंगल होगा पूरा। मंगलवार को UAE के यान की लैंडिंग, बुधवार को चीन और 18 फरवरी को नासा का यान मंगल पर पहुंचेगा। टेस्ला के $1.5 अरब के निवेश से ऑल टाइम पीक पर पहुंचा बिटकॉइन, भारतीय करेंसी में एक बिटकॉइन की कीमत 32 लाख रुपए से भी ज्यादा। कर्नाटक के कोलार प्लांट में फिर से काम शुरू करेगा विस्ट्रॉन, पिछले साल वर्कर्स ने की थी तोड़फोड़। रिलायंस और फ्यूचर्स ग्रुप के बीच सौदा मामले में सिंगल बेंच के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक, अमेजॉन को लगा बड़ा झटका। 1 जनवरी से 30 जून 2020 तक बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी 3,08,000 शिकायतें मिली, 58% की बढ़ोतरी। अगले 20 साल में भारत बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर, यूरोपीय यूनियन को पीछे छोड़ेगा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 10 पैसे की मजबूती, $1 की कीमत ₹72.87। सेंसेक्स में 19 अंकों की मामूली गिरावट, निफ्टी भी 6 अंक नीचे आया। चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया की करारी हार, इंग्लैंड से ने 227 रन से हराया, पूरी टीम दूसरी पारी में 192 रन पर आउट। और राज कपूर के छोटे बेटे राजीव कपूर का 58 साल की उम्र में निधन, दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत।